88 वर्षीय श्री मनुभाई पंचोली एक शिक्षा शास्त्री हैं, रचनात्मक कार्यकर्ता हैं, साहित्यकार तथा विचारक हैं और एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने बड़ी प्रतिष्ठा से राजनीतिक जिम्मेदारियां संभाली। उन्होंने स्कूली शिक्षा जल्दी त्याग दी और गांधी जी के नेतृत्व वाले स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। उन्हें जेल की सज़ा हुई। 1935 में रिहाई के बाद 1953 तक वे प्राथमिक, माध्यमिक व उच्चतर शिक्षा के स्तर पर पूरी तरह बुनियादी शिक्षा और नई तालीम के प्रसार के कार्य में संलग्न रहे। नई तालीम में बुनाई के अलावा नई बुनियादी हस्तकलाओं को उन्होंने शामिल किया, जैसे कृषि, पशुपालन और डेयरी उद्योग। इस सूझबूझ को गुजरात राज्य के स्तर पर मान्यता मिली तथा इस प्रयोग के अंतर्गत 30 से भी अधिक ज़्यादा प्राथमिक तौर स्कूल चलने लगे। इसी प्रवृत्ति को सतत जारी रखने के लिए उन्होंने स्थानीय ग्रामवासियों को पशुपालक, दस्तकार, सामाजिक कार्यकर्ता और महिला स्वयंसेविका के रूप में नेतृत्व संभालने का प्ररक्षक देने के कार्य को संगठित किया। उन्होंने प्रत्येक गांव के आसपास एक छोटा शिक्षक केंद्र स्थापित किया। 3 दिन के लिए आयोजित ग्राम शिविर के दौरान पूरा गांव ही एक शिक्षा केंद्र बन जाता था। इस तरह लगभग 7,000 स्थानीय व्यक्तियों को रचनात्मक कार्यों में नेतृत्व की जिम्मेदारी संभालने के लिए प्रशिक्षित किया गया। कृषि के क्षेत्र में भाई ने 1978 में गेहूं की लोक एक नामक नई किस्म विकसित कर ख्याति प्राप्त की। इस किस्म को गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र व उत्तर प्रदेश में 10 लाख हेक्टेयर में बोया गया। अन्य किस्म के गेहूं बीजों की अपेक्षा इस किस्म से 50% अधिक पैदावार होती है। 1975 में श्री मनुभाई ने ग्राम दत्तक योजना प्रारंभ की। इसके कारण जिन किसानों के पास 15 एकड़ से कम जमीन है, ऐसे 7,200 किसानों को विभिन्न प्रवृत्ति में, जैसे सर्वेक्षण, फसल योजना, ऋण के प्रबंध, गहन कृषि, कृषि औजारों का उत्पादन तथा मार्केटिंग का प्रशिक्षण दिया गया। ग्राम दत्तक योजना एक अनूठी योजना है। इस अर्थ में कि 4 वर्षों के बाद योजना को सतत कार्यान्वयन के लिए स्थानीय ग्राम समुदाय को ही सौंप दिया जाता है। इस प्रकार ग्रामीण प्रबंधकों का एक सशस्त्र केंद्र गाँवों में तैयार हो रहा है, जो महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज की नींव है, ऐसा मैं मानता हूँ। मनुभाई ने ये जो गौरवपूर्ण योगदान दिया, उनके लिए जमनालाल बजाज अपने आप को इस पुरस्कार को देकर गौरवान्वित मानता है। 60 साल मैं देहात में काम करता हूँ, आजकल करीबन 60 साल हो गई। 1930 से शुरू किया। आज मैं गौरव का अनुभव अवश्य कर रहा हूँ, लेकिन वो केवल गौरव का सवाल नहीं है, वो रीडेडिकेशन का सवाल है। 60 साल तो डेडिकेट किया, लेकिन आज मैं दूसरी दफे डेडिकेट होने का संकल्प करता हूँ। वो सवाल हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी का है, वो केवल गौरव का नहीं है। देहात में काम करने के अधिकार से अगर 2 बात मैं महामात्य जी के लक्ष्य पर रखूं, तो मुझे माफ कीजिएगा, 60 साल के अनुभव बाद आज मैं अनुभव कर रहा हूं कि आबादी बढ़ रही है, इतनी बढ़ रही है कि उनके साथ आमदनी का कोई मेल नहीं, और जमीन बढ़ती नहीं है। अगली पीढ़ी को हम जमीन नहीं दे सकेंगे। मैं कई साल पहले इज़राइल गया था 1977 में, और वहाँ स्वराज इज़राइल ने प्राप्त किया, उसको एक डिकेड भी नहीं हुआ था, फिर भी एक डिकेड में उन्होंने गायों पर इतना काम किया कि डेनिश गाय, रेड डेनिश, उनके साथ इज़राइली गाय कॉम्पीट करती थी। मैं डेनमार्क भी गया हूँ और रेड डेनिश गाय मैं देखी है, उनका काम भी देख, उनका दूध कितना होता है मुझे मालूम है, लेकिन एवरेज प्रोडक्शन इसराइल में
दस साल में इतना हुआ, वो डेनिश का उससे भी ज्यादा, तो एक छोटी बात नहीं। वो छोटा देश है, हम बड़े हैं, तो हमारे देश में बड़े आदमी भी है, तो बड़े आदमी क्यों बड़े काम नहीं करते? ऐसा बड़ा काम, बड़े काम तो करते ही है, लेकिन जो मैं बड़ा काम कहता हूँ गोसवर, वो हमारे पुण्य श्लोक जमुनालाल जी आखिरी समय में क्या काम करते। मैं बिल्कुल उनकी याद से गदगद हो जाता हूँ कि उनके गोसेवा में अपने अंतिम वर्ष बिताए, तो वो गो संवर्धन हमारा देश का सबसे बड़ा ग्राम उद्योग है, यानी उससे हमें जो करना चाहिए उनके लिए जितनी हिफाजत, वो हम नहीं करते हैं। वो मैं बिल्कुल बिल्कुल, आप फरियाद समझे तो फरियाद और ना समझे तो सलाह, जो कुछ है, लेकिन मैं बहुत नम्रता से आपको विनती करके अब मैं बैठ जाता हूँ।